अभी हम डिस्कस करते हैं जीएसटी के रेट्स कि जीएसटी के कितने रेट्स होते हैं। देखो जीएसटी में जो टैक्स रेट एप्लीकेबल है ना वो सिर्फ किए वाले हमारे 5 टैक्स रेट एप्लीकेबल्स हैं। कौन कौन से 0%, मतलब एक तरह से क्या इस पे कोई जीएसटी लगना ही नहीं। सो मैं ये नहीं कहूंगा कि जीएसटी नहीं लगेगा, हम इसको कैसे बोलते हैं जीएसटी लगता है बट किस रेट पे, 0% पे। तो बात जनरल टर्म्स में मैं रेगुलर एक बात करता हूँ तो वो सेम मतलब सेंस निकलती है, टेक्निकली जाता हूँ तो दोनों में डिफरेंस आ जाता है। फिर एक 5%, 12%, 18% और 28%, ये हमारे पास टैक्स रेट के स्लैब्स हैं। मतलब किसी चीज के ऊपर जो टैक्स लगेगा ना, इन 5 रेट में से कोई से एक रेट पे लगेगा, इसके अलावा किसी और रेट पे नहीं लगेगा। लाइक मैं किसी भी चीज के ऊपर 15% का टैक्स रेट नहीं लगा सकता, मुझे किसी भी चीज के ऊपर 15% का जीएसटी नहीं मिलेगा। सो गवर्नमेंट ने 5 स्लैब्स दे दिए कि ठीक है, या तो ये, या तो ये, या तो ये, इनमें से 5 में से कोई सा एक टैक्स आपका उसके ऊपर रेट आपके पास एप्लीकेबल हो जाएगा। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे ना, कहीं कहीं मैं आपको क्या करूंगा, एग्जाम्पल लूंगा 10% जीएसटी का। सो एडवांस में बता रहा हूँ, तब भी मैं आपको बताऊंगा 10% का कोई जीएसटी का रेट नहीं है। वो सिर्फ हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ले लेते हैं, क्योंकि 10% कैलकुलेट करना आसान हो जाता है, 18%, 28%, 12% कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो फॉर इजी कैलकुलेशन, बाकी सिर्फ हमारे पास यही टैक्स रेट होता है। सो 0% में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं जिसपे हमारा कोई टैक्स नहीं है, जैसे आपका मीट, फिश, एग, वेजिटेबल्स, मिल्क। 5% जो हमारा रहता है वो किस पे हो गया, फ्रोजन फूड, फिश, स्किम मिल्क, योगर्ट, सो नॉर्मल चीजें हैं। सो इसके ऊपर हमारा ये टैक्स हो जाता है। क्या मुझे ये टैक्स रेट याद करने हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अभी ये देखिए, आप अपने पास ऐसे ना एक बार गर्दन घुमा के देखिए, जहाँ पे भी आप बैठे होंगे कितनी सारी चीजें रखी होंगी। आपके पास क्लाइंट आएगा, उसको कौन से चीज के लिए आप कैसे टैक्स रेट याद रख सकते हो? वो टैक्स कंटिन्यूसली चेंज भी होते रहते हैं टाइम टू टाइम। मैं आपको बताऊंगा कहाँ से हम सारे टैक्स रेट निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे पता कर सकते हैं कि किस चीज का कितना टैक्स रेट है, लेटेस्ट टैक्स रेट, ठीक है? वो सब हम सीखेंगे। तो हमें वहां से ये सिर्फ एक जनरल आइडिया देने के लिए आपको कि हाँ ये वाले मेरे पास टैक्स रेट स्लैब्स रहते हैं। तो आप क्या करिए, इन टैक्स रेट्स को नोट डाउन कर लीजिए कि ये टैक्स रेट्स है मेरे और इसके अंदर ये वाला मेरा सारा का सारा, कुछ आइटम्स जो इसमें से आपको इंपॉर्टेंट लगती है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है? आप नोट डाउन कर लीजिए। पास्ता उठ के मैं चले जाना, क्लास पूरी करके फिर जाना, पता चला पास्ता पढ़ते किस सर हम तो जा रहे पास्ता खाने, पूरा पढ़ो फिर जाना। च्युइंगम, वेफर्स, ये सब चीजों पे क्या है ना सबसे ज्यादा टैक्स रेट है 28%, तो ये चीजें महंगी हो गई हैं एक तरह से। तो ठीक है, ओके। और ये बात देखो, इसमें ना मैंने यहाँ पे एक टेस्ट दी है, ये आपको फाइल में मिल जाएगी, जहाँ पे आप फाइल देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारा अवेलेबल हो जाएगा। और देखो ये क्लास मैटर करता है आप कौन से प्लेटफॉर्म पे ले रहे हैं, कुछ जगह हो सकता है आपको ये वाली पीडीएफ अवेलेबल ना हो, एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे ले रहे होंगे वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि मैं इसको प्रिंटेबल फॉर्म में बिल्कुल देने के लिए रेडी नहीं हूँ। आई डोंट वॉन्ट कि आपको इसको प्रिंट करें और लिख लें, ठीक? जितना नोट डाउन करना है यहाँ से कर सकते हैं, मैं आपको आराम से पॉज करके दिखाने के लिए ओके हूँ। ये एक रेट है जो पुराने रेट है डेफिनेटली, क्योंकि डेली बेसिस पे अगेन सेम चेंज होते रहते हैं। सो एक जनरल है कि हाँ जनरली ये चेंज रेट पे फर्क है। जैसे वीट, पहले इस पे 2.5% का जीएसटी लगता, वो टैक्स लगता था, अभी क्या है 0% है, इस पे कोई टैक्स नहीं है, सस्ते हो गए। तो अभी ना गवर्नमेंट ने क्या करा है, जो डेली नीड्स के आइटम थे ना बिल्कुल बेसिक, उनपे मोस्ट ऑफ देम पे क्या करा है, 0% कर दिया, उनको जीएसटी से भारत दिया, चीजें सस्ती हो जाए। तो वाली चीजें जैसे मिल्क पाउडर पहले 6 था, 5 हो गया था, फिर स्पाइसेस, मसाले, मस्टर्ड सॉस, ये सारी चीजें। सो इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है आपको देखने की भी, बट एक स्लाइडली आप इनको रीड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और फिर हम इसके बेनिफिट्स देखते हैं कि हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिले जीएसटी के कारण। ओके?